हाल ही में दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें शिक्षा, पर्यावरण, बेसिक कूटनीति सहित 6 विषयों पर प्रस्ताव पारित हुए, जिसको लेकर एबीवीपी के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता कर कई तरह की जानकारियां दी। पारित प्रस्ताव की जानकारी और विभिन्न मुद्दों को लेकर एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी और प्रांत मंत्री राधिका सिंह सिकरवार ने बताया कि दिल्ली में हुए विद्यार्थी परिषद के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन में 4 प्रमुख प्रस्तावों के साथ ही कार्य परिषद की बैठक में 2 अन्य प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसमें मुख्य रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नीति, कल्याणकारी भारतीय कूटनीति, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, देश के युवा और विवेकशील विकास, पर्यावरण संतुलन हेतु आवश्यकता के बिंदुवार प्रस्ताव पारित हुए। राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित प्रस्ताव को लेकर विद्यार्थी परिषद द्वारा आगामी समय में एक अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जानकारियां दी जाएगी और विद्यार्थी परिषद के मूल विचार, पहचान और कार्यप्रणाली को लेकर बताया जाएगा। इसके साथ ही एबीवीपी के लोगों ने 22 जनवरी को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र भी किया और कहा कि सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों पर दीप जलाकर इस दिन को दीपावली की तरह मनाएं। वहीं नारी वंदन अधिनियम का भी विद्यार्थी परिषद के लोगों ने स्वागत किया। बढ़ाना जो कैंपस है उसको जीवंत बनाना, उसको अट्रैक्टिव बनाना, इंटरेस्टफुल बनाना, उसके लिए हमारा अभियान है। तो अलग अलग गतिविधियां हम इस अभियान के तहत करें। राम मंदिर को लेकर जो क्या है, राम मंदिर को लेकर विद्यार्थी परिषद ने एनईसी में एक प्रस्ताव पारित किया है कि 550 साल से ज़्यादा समय से इतना संघर्ष, इतने बलिदान के बाद इतना शुभ घड़ी आया, उसको आज की युवा पीढ़ी साक्षी तौर पर देख रही है। तो ये बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग उसको देख रहे हैं कि हम उस पढ़ के, उस क्षण के हम साक्षी बने हैं। तो वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और भगवान रामचंद्र का वहाँ प्रतिमा की स्थापना होने वाली है, मंदिर का निर्माण होने वाला है। क्या कुछ आयोजन करेंगे आप अपने? हाँ, उसको लेकर हम लोगों का आयोजन ऐसा है कि हमारे कुछ रचना बनी हुई कि हर एक प्रांत के कार्यकर्ता समय समय पर, उनका समय डिसाइड हुआ, उस समय वहाँ दर्शन के लिए जाएंगे। और दूसरा, हमने विद्यार्थियों से आह्वान किया है कि पूरे देश भर में विद्यार्थी परिषद राम मंदिर की 22 जनवरी के दिन, जिस दिन राम मंदिर की प्रतिमा का स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन हम दीपोत्सव मनाएंगे। हम लोग कैंपस में मनाएंगे, घरों में मनाएंगे, जहाँ विद्यार्थी है वहाँ विद्यार्थी परिषद हर एक विद्यार्थी से आह्वान करेंगे कि हमको उसका दीपोत्सव मनाएंगे।